Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of 3D Learning Academy. So guys, today I am going to discuss with you about very important questions that I am getting pings from students regarding which certification courses they should do before joining the B school, because they will be joining B schools in the month of June or July, so they have free time of 1 or 2 months. So this is the best time to upgrade your skills. So if you are going for finance, you've decided to go for finance, and this video is relevant to you. Okay, so for finance certifications, we have around 2 to 3 certifications which are very good, so I will be discussing regarding that. Okay, so before moving towards the discussion, we recommend you all to subscribe this channel, because we are going to bring for you many videos which are going to be very informative. Okay, so kar lo subscribe. Okay, and chalo, let's start the discussion. So the courses that we have is, first we have is flip certification course. So guys, flip course basically provides certification in various domains in finance, like investment banking, wealth advisors, finance and banking fundamentals. Kafi certifications provide karta hai ye proper. Theek hai, so iski jo website hai, that is www.learnwithflip.com. theek hai, aur kaisa course provide hota hai, so what basically they do is, when you enroll for their course, aapko ek student portal mil jayega. Okay, वहाँ पे यू विल बी गेटिंग फुल स्टडी मटेरियल. सपोज़ आपने मान लो फाइनेंस एंड बैंकिंग फंडामेंटल्स का कोर्स किया ज्वाइन, सो आपको पूरा प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में स्टेप्स वाइज, टॉपिक वाइज, सारे चैप्टर्स का प्रेजेंटेशन होगा. ठीक है, और सेक्शनल टेस्ट वगैरह सब होंगे साथ में, और लास्ट में 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे. ठीक है, वो होगा. और इसका जो टेस्टिंग है कि सर्टिफिकेशन कैसे मिलता है, सो टेस्टिंग थोड़ा सा इसका ऐसा नहीं कि ऐसे किसी को भी मिल जाएगा. अच्छा खासा क्राइटेरिया होता है, 60% क्राइटेरिया है इसका, एंड उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है. और एंड अदर थिंग इज़, ये इन्विजिलेटेड होते हैं. मीन्स ऐसा नहीं कि आपका टेस्ट जो होगा आपको घर में देना है, आपको जाना पड़ेगा, आपको यू हैव टू बुक द शेड्यूल, आपका सेंटर पड़ेगा वहाँ पे जाके, यू हैव टू गिव द टेस्ट. नेगेटिव मार्किंग के साथ 60% आना इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि टेस्ट का लेवल जो होता है काफ़ी अच्छा होता है. उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये नहीं, डेफिनेशन पूछेगा आपसे. आपसे हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई कंसेप्ट लगेगा. जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल, टाइम एंड वैल्यू ऑफ मनी एक कंसेप्ट होता है, उसमें एक आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू. सो आपको एक्सेल वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे, तब आपको निकालना पड़ेगा एनपीवी क्या आएगा. ऐसे करके क्वेश्चंस होते हैं, ये नहीं कि रट के चलेगा उदय आया, ऐसा नहीं. क्योंकि तभी फ्लिप सर्टिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दे बेसिकली चेक्स योर प्रैक्टिकल स्किल्स. फाइनेंस में प्रैक्टिकल जो आगे काम आता है जॉब में, वो आपका चेक करते हैं. दैट इज़ वाई काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी रेलिवेंट है, हमने भी किया है. ठीक है, सो ये काफ़ी सही सर्टिफिकेशन है. अभी तक मैं कहूँगा जो इंडिया में सर्टिफिकेशन हैं उसमें से अगर आपको एमबीए के पहले करना है तो बेस्ट मानेंगे फ्लिप सर्टिफिकेशन को, काफ़ी पॉपुलर है. और दूसरी चीज़ जो अच्छी है कि इनके क्लाइंट रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है. काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज इनकी क्लाइंट्स हैं, लाइक एक्सिस बैंक वगैरह सब. एक्सिस बैंक हो गया, मैं दिखाऊंगा वेबसाइट में जाके सब कुछ. ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग भी काफ़ी रिलेवेंट है. और बेस्ट थिंग है कि जब आप समर इंटर्नशिप पर आप बैठते हो उस टाइम पर समर प्लेसमेंट्स में, तो आपके पास ज़्यादा कुछ होता नहीं. अगर इफ़ यू आर फ्रॉम बीटेक बैकग्राउंड, तो आपने फाइनेंस की नॉलेज होती नहीं है. सो उस टाइम पर अगर आपको इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करना है, तो बेस्ट थिंग इज़ फ्लिप सर्टिफिकेशन. सिर्फ सर्टिफिकेट की बात नहीं, नॉलेज ही मिलेगी, तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो आपको अच्छे से दे पाओगे आप, आपको हर चीज़ की नॉलेज होगी. और फ्लिप सर्टिफिकेशन में भी आई वुड रिकमेंड, अगर आप बिगनर हो तो फाइनेंस एंड बैंकिंग फंडामेंटल्स जो है सर्टिफिकेशन वो करो पहले आप. ठीक है, पहले वो करो, उससे आपको पूरा फाइनेंस का ओवरव्यू मिल जाएगा कि फाइनेंस में है क्या क्या. ठीक है, सो उसकी प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 7500 से 13-14,000 तक जाता है. ये डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोर्सेस काफ़ी अच्छा है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, तो उसकी थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा होती है, बट कॉस्ट बिल्कुल रिलेवेंट है, ठीक कॉस्ट है. ठीक है, और एक बार वेबसाइट देख लेते हैं चलो उसकी. सो गाइस, ये वेबसाइट खुल के आ गई है, लर्न विद फ्लिप डालोगे आप तो आ गई. ठीक है, तो इसमें चलो चलते हैं प्रोग्राम्स में. ठीक है, सो ये कुछ वेबसाइट है, पॉपुलर प्रोग्राम्स देख लेते हैं इसमें क्या है. जैसे रिस्क मैनेजमेंट का प्रोग्राम हो गया, फाइनेंस एंड बैंकिंग फंडामेंटल्स देखो, इसमें लर्नर्स देखो 14,575, एंड यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू चेक द डेमो. तो कोर्स डेमो में जाओगे तो यू विल गेट सम वीडियोज, देख लो उसको. डिटेल्स एंड बाई करना है तो उससे कर सकते हो. यहाँ पे वेल्थ एडवाइजर्स का है, फिर वी हैव कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड आरएम. ठीक है, ये सब है. ट्रेजरी मार्केट्स, फ्लिप एंड एनसीएफएम कंबाइंड कोर्स है, इक्विटी रिसर्च का काफ़ी पॉपुलर ये भी है. ठीक है, सो बेस्ट मैं कहूँगा अभी अगर स्टार्टिंग के लिए कर रहे हो तो फाइनेंस एंड बैंकिंग फंडामेंटल बेस्ट कोर्स. ठीक है, सो ये था कोर्स के बारे में. ठीक है, इसको आप देख लेना अच्छे से जाके वेबसाइट में. अब बात करते हैं कि इसको कर कौन कौन रहा हो, कैसे लोग कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं. तो स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क ऑफ 65,000 यूजर्स ऑलरेडी इनमें एनरोल कर चुके हैं. और अगर हम बात करें कॉलेजेस की, किस किस कॉलेज से लोग हैं, तो ये कॉलेज की लिस्ट है. इसमें इतने कुछ रिनाउंड कॉलेजेस के नाम हैं कि नहीं देख लेते हैं. लेट्स चेक NMIMS मुंबई. ठीक है, इसमें है बच्चों ने किया कि नहीं किया देख लेते हैं. ये
सो ये क्लिक किया हमने, NMMS मुंबई पे नाम तो है इसका, देखते हैं कितने बच्चों ने किया है इससे अभी तक, शायद आ जाए डिटेल। तो ये कुछ बच्चों के नाम तो आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, इन्होंने जो कोर्स किया है और NMMS कॉलेज सेम ही सबका। सो ये आपको मिल के दिख गया यहाँ पे, ठीक है। टोटल कोर्सेज अगर देखें तो अराउंड 554 लोग NMMS मुंबई से फ्लिप कर चुके हैं। सो गाइज, अब NMMS मुंबई से करा लोगों ने तो कुछ तो रेनाउंड हो गई, ऑब्वियस सी बात है ना, ठीक है। तो मतलब यहाँ से आपको दिख गया कि हाँ बच्चे करते हैं इसको। और चेक कर लेते हैं ज़रा कि IIM वगैरह का क्या सीन है, वो भी देख लेते हैं। देखो आप, IIM इंदौर वगैरह ओल्ड IIMs हैं, ठीक है। सो ये IIM के सारे मिक्स दिख गए यहाँ पे, ये IIM कलकत्ता भी आ गया, ठीक है। सो बच्चों ने किया है कोर्सेस, तो अगर देखें काउंट, अराउंड 1500 लोग IIMs के अभी तक कर चुके हैं इस कोर्स को। सो गाइस, अब तो आई गेस समझ में आ गया होगा। मेरा मेन रीज़न ये था कि आपको दिखाएं कि आपको ये ना लग रहा हो कि काफ़ी लोगों ने पहली बार सुना है, तो लग रहा हो पता नहीं कैसा कोर्स होगा। तो ये बस ये ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करने के लिए है, क्योंकि हमने भी देखा था इस चीज़ें, तभी हमने ज्वाइन किया, तभी हमने आपको दिखाया है ये, ठीक है। सो यहाँ पे काफ़ी कॉलेजेस के नाम है, NIT IIT IIM वगैरह सबके नाम है, अच्छे कॉलेजेस के, आप सर्च कर लेना जाके, ठीक है। और इफ़ यू टॉक अबाउट द क्लाइंट्स, कि कौन कौन क्लाइंट्स हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। सो लेट्स चेक द क्लाइंट्स। सो टोटल क्लाइंट्स यहाँ पे देख लो, एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, HDFC, RBL, कोटक, IIS बैंक, सब देख लो आप, ठीक है। सो ये क्लाइंट्स आ गए सारे, ठीक है। बारक्लेस, गूगल, ये सब अच्छी कंपनीज भी हैं चलो इसमें, ठीक है, काफ़ी। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स दिखाई दिए मैंने, NMIMS, SIBM, पुणे वगैरह सबके नाम हैं इसमें, ठीक है। सो जो कॉलेजेस हैं ये देख लिया आपने, तो बाकी आप और इसको सर्च कर लेना, ठीक है। तो कोई अगर डाउट है तो मुझसे पिंग कर लेना। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो गैस, ये फ्लिप का तो मैंने बता दिया आपको, काफ़ी डिटेल्स दे दी हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं दूसरे को सर्टिफिकेशन पे। दूसरा सर्टिफिकेशन हमारा है NCFM सर्टिफिकेशन भाई, NSE। NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये भी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं अपने, ठीक है। इनका सर्टिफिकेशन होता है, प्लस ये थ्योरी में क्या करते हैं, थ्योरी में आपको एक PDF दे देंगे, उसको आप पढ़ो, उससे आप एग्ज़ाम दे दो। NSE सर्टिफिकेशन क्या होते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा होता है, अच्छा ये भी है, NSE काफ़ी नाम है इसका, NSE का। बट मेन चीज़ अगर इफ़ यू टॉक अबाउट नॉलेज, तो नॉलेज के केस में थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा होता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कम होते हैं इसके, क्योंकि पूरा आपका ऐसा कुछ एनिमेशन वगैरह, जैसे फ्लिप में क्या है कि फ्लिप में कुछ चीज़ें आपको एनिमेटेड फॉर्म में भी होंगी PPT में, कि कैसे कैसे हो रहा है, काफ़ी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स होते हैं फ्लिप में। NSE में क्या, NCFM में क्या है कि आपको इसके एक PDF दे देंगे, वो PDF को कर पढ़ लो, फिर आप दे आओ एग्ज़ाम, तो है ठीक वो भी सर्टिफिकेशन पर्पज़ से, बट प्रैक्टिकल नॉलेज की बात की जाए तो फ्लिप ज़्यादा आई वुड रिकमेंड, ठीक है। आप कोई ना कोई तो रैंक करना ही पड़ेगा इन दोनों में से, अगर जेन्युइन रिव्यू देना है। मैं किसी को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि अगर प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करें तो फ्लिप वगैरह सही है, क्योंकि मेरा फ्लिप करने के बाद ही मेरे थोड़ा सा कॉर्पोरेट फाइनेंस ठीक हो गया था, मतलब सब समझ में आ गया था मुझे जब कॉलेज में पढ़ाया जा रहा था, ठीक है। सो NCFM की वेबसाइट है NSEIndia.com, ठीक है। ये आपका सर्टिफिकेशन ने यहाँ पे लिखा है ओनली सर्टिफिकेशन, क्योंकि इसमें स्टडी मटेरियल कुछ बस PDF वगैरह ही होती है, तो उतना मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा देते हैं, तभी हमने लिखा है, ठीक है। एग्ज़ाम इसमें भी इनविजिलेटेड होता है, सेंटर पड़ेगा आपका, घर में नहीं देना तो ठीक है एग्ज़ाम। और प्राइसिंग इसकी कम होती है, 2000 से 3000, क्योंकि इससे आपको पोर्टल वगैरह नहीं मिलता है कुछ, वो एक PDF आपको मेल आ जाएगा, बस आपको वो पढ़ना है और एग्ज़ाम दे आओ जाके, ठीक है। तो अभी इसका प्राइस कम है, ठीक है। तो ये चाहो ये भी कर सकते हो, चलो इसकी वेबसाइट भी देख लेते हैं एक बार। सो इसकी वेबसाइट खुल गई है, NSEIndia.com डालना आ जाएगा, यहाँ पे फाइनेंस मॉड्यूल्स डालोगे आप तो आपको ऐसे आएगा, एक मिनट दिखा देता हूँ मैं। हाँ, जैसे कि आपने NCFA मॉड्यूल्स डाला तो फाउंडेशन मॉड्यूल्स के इतने सारे आ गए, फाइनेंशियल मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, इक्विटी डेरिवेटिव्स, ये सब आ गया। फिर देन वी हैव इंटरमीडिएट मॉड्यूल, जब आपका वो हो जाए तो ये कर सकते हो आप, कैपिटल मार्केट्स वगैरह इसमें काफ़ी है, मेन्यू में देख लेना। एडवांस मॉड्यूल्स में ये सब आ गया, ठीक है आपका। सो एडवांस मॉड्यूल्स भी देख सकते हो आप सारे, ठीक है। सो ये है आपका, और किसी को खोलोगे अगर तो यू विल गेट की सब डिटेल्स दी हुई हैं। टेस्ट का टाइम होगा 60 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट्स, पैसे दिए हुए हैं 2000 करीब, ठीक है। और कुछ सर्टिफिकेशन ऐसे हैं जो मतलब कुछ सर्टिफिकेशन तो इसमें ऐसे भी हैं शायद कि जिसमें इन्होंने टाई अप कर रखा है फ्लिप के साथ, ठीक है। जैसे ये देखो आप, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऑपरेशन, दिस प्रोग्राम इज डेवलप्ड बाई फिनेटिव्स लर्निंग इंडिया प्राइवेट फ्लिप। तो गैस, ये NSE जब फ्लिप के साथ टाई अप कर रही तो ऑब्वियस ही बात है कि फ्लिप के साथ कर रही तो अच्छा ही होगा वो भी, ठीक है। सो ये ऐसा कुछ है, बाकी ये इसका था। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। थर्ड सर्टिफिकेशन मैंने कंसीडर किया, वो अभी MBA के पहले थोड़ा सा रेलिवेंट कम होगा, बट ऑब्वियस ही बात है बाकी बाद में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, वो CFA। CFA की तो खैर बात ही अलग है, ठीक है। बट ये अगर आप MBA के पहले सोच रहे हो तो अगर BTEC के थोड़ा मुश्किल होगा। रीज़न क्या है कि थोड़ा पेपर टफ आता है इसका, लेवल 1 का, और आपको पढ़ना भी काफ़ी पड़ता है इसमें। एंड द अदर थिंग इज़ यू हैव टू स्पेंड अराउंड 80,000 रुपीज़ का फॉर्म होता है इसका,
प्लस आपको कोर्स मिलेगा पूरा प्रॉपर स्टडी मटेरियल प्लस सर्टिफिकेशन। बट हाँ आई वुड रिकमेंड कि आप एमबीए के साथ साथ एमबीए के बाद कर सकते हो उसको आराम से, क्योंकि काफ़ी इसका रिकमेंडेशन है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सीएफए का, तो वो तो आप जानते ही होगे इसके बारे में। तो बट यहाँ पे अगर एमबीए के पहले आपको करना है तो अगर इफ़ यू आर फ्रॉम बीकॉम बैकग्राउंड या आपको लगता है यू कैन डू, तो आप कर सकते हो। जून में आप इसका पेपर होता है, जून में जब आप एमबीए में आओगे तब आप उस टाइम पे आपका 15-20 दिन पेपर हो जाएगा, ठीक है, तो आप दे सकते हो पेपर एंड यू कैन गेट द सर्टिफिकेशन। अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, वरना फिर अगर नहीं हो पा रहा तो कोई नहीं, आप ये कर सकते हो क्योंकि नॉलेज मैटर्स अलॉट, ठीक है, फ्लिप कर सकते हो आराम से, ठीक है। सो गाइस मैंने बता दी सर्टिफिकेशन के बारे में, अगर कोई डाउट हो तो यू कैन पिंग मी, और क्योंकि आई एम गेटिंग लॉट ऑफ पिंग्स फ्रॉम माई स्टूडेंट्स कि सर एमबीए ज्वाइन करना है तो आप क्या करना चाहिए। 2 महीने तो हमने कहा सबको फ्लिप, बट क्योंकि कॉस्ट लोगों को ज़्यादा लगती है इसलिए हमने बात करी फ्लिप टीम से रिगार्डिंग सम डिस्काउंट इफ़ दे कैन गिव टू 3D लर्निंग व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। सो दे हैव अग्रीड फॉर अ डिस्काउंट ऑफ अराउंड 15%। 15% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे सारे कोर्सेज में, एंड डिस्काउंट कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, देख लेना आप यूट्यूब में नीचे, उसको आप यूज़ करो जब इनरोल करो, एंड यू कैन गेट 15% डिस्काउंट आपको आराम से मिलेगा, ठीक है, तो उसका फ़ायदा उठाओ। एंड कोई डाउट हो तो यू कैन पिंग मी एट 8604734785, ठीक है। आई होप मैंने सब कुछ कवर कर दिया, इसमें कुछ रह नहीं गया है। और एट द एंड YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे बहुत वीडियोस आने वाले हैं अच्छे, कोई मिस मत करना कोई भी, और ये वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।